हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टूए में। आज के दिन बात करने वाले हैं, काफी बच्चों के पास इस प्रकार का मैसेज यहाँ पे आने लग गया है एनएसपी के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस लिए आया है, क्यों आया है, एक बताऊंगा और आपको करना क्या पड़ेगा इस वीडियो में बताऊंगा। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें साफ सा लिखा गया है एनएसपी एप्लीकेशन आईडी ये है, इज नॉट वेरीफाइड बाय योर इंस्टीट्यूट, आस्क योर इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई एप्लीकेशन ऑन एनएसपी बिफोर क्लोजिंग डेट। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NIC की तरफ से ये मैसेज जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अभी भी जब मैं NSP स्कॉलरशिप साइट देखता हूँ तब यहाँ पे सर्वर जो है अभी रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब सर्वर थोड़ा डाउन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ढंग से खुल भी नहीं रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अब बताऊंगा मैं आपको जिन बच्चों ने NSP स्कॉलरशिप में रिन्यूअल कर लिया है उन बच्चों के पास मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो अपने फॉर्म को जल्दी जल्द फॉर्म को इंस्टीट्यूट वेरीफिकेशन के लिए भेज दीजिए। इंस्टीट्यूट वेरीफिकेशन जो लास्ट डेट है, ये बंदा जो था मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेंटर सेक्टर स्कीम CSE स्कीम के थ्रू था, जिसकी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जो लास्ट डेट है 15/11/2022। जी हाँ, 15/11/2022 इसकी लास्ट रखी गई है और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो है 30/11/2022 तक है। इसका मतलब है आपको 15/11/2022 से पहले पहले आपको इंस्टीट्यूट के पास हार्ड कॉपी जमा कराना पड़ेगा। क्या क्या जमा कराना होगा ये वीडियो में जानिएगा। तो आपको जमा कराने के लिए सबसे पहले आपकी जो एनएसपी स्कॉलरशिप में जो हार्ड कॉपी आई है उस हार्ड कॉपी को जमा करना पड़ेगा। आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो वो भी अपलोड आपको जमा करना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट आपकी जमा करानी पड़ेगी और आधार कार्ड आपको जमा करना पड़ेगा। ये सब पाँच चीज़ें हैं जो आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। बाकी अलग अलग स्कीम में जैसे कि उसमें बता दिया एनेक्चर फोर्थ हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको देखने, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं एनएसपी के थ्रू, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उन सब की एक फोटोकॉपी आपको इंस्टीट्यूट में जमा करवानी अनिवार्य है फ्रेंड्स। ठीक है, तो CSE स्कीम ऐसा कुछ लगता नहीं है, नॉर्मली डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसमें आपको 12 की स्कॉलरशिप आपको पर ईयर यहाँ पे मिलती रहती है फ्रेंड्स। तो इस बच्चे का रिन्यूअल कर लिया है, अगर आपने रिन्यूअल कर लिया तो आपके पास भी मैसेज आया होगा। जल्दी से जाइए इंस्टीट्यूट में, जल्दी से इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अब जो स्कॉलरशिप है फास्ट तरीके से आने वाली है, क्योंकि अब कोविड वगैरह फलाना ढिकाना कोई भी मच्छर जैसा कोई बीमारी अब नहीं रहने वाली फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय।